चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। 21 अगस्त को रूस के लूना 25 मिशन ने यहां लैंड करने की कोशिश की थी लेकिन फेल हो गया। अमेरिका और चीन ने भी चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए एडवांस मिशन शुरू किए हैं। इस रेस में स्पेसएक्स जैसी कुछ प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं। आखिर चांद पर ऐसा क्या है कि सब खोजने में लगे हैं? चांद पर पहुंचने की इस रेस के पीछे असली मकसद क्या है? देखिए रिपोर्ट। अपनी आंखों से इतिहास बनते देखिए। चांद के जिस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच पाया वहां अब भारत पहुंच गया है। चांद के जिस टुकड़े को अभी तक किसी ने नहीं देखा उसे इसरो ने दुनिया को साक्षात दिखा दिया है। यह मुमकिन हो सका है चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के है। अद्भुत। अविश्वसनीय। अकल्पनीय। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की अमिट छाप छोड़कर भारत का चंद्रयान 3 ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर उसके दीदार करने का सपना ऐसे तो दुनिया के सभी बड़े बड़े देश देख रहे थे लेकिन जीत का सेहरा भारत के सिर सजा है। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 अहम मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद के दक्षिणी सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना।